नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप अपने मोबाइल को अगर फॉर्मेट मार दिया हुआ है और आपकी फ़ोन की सारी कॉन्टैक्ट डिलीट हो गई है और अपने कॉन्टैक्ट को आप जीमेल पे सेव करके रखे हुए, तो कैसे आप उस जीमेल से अपने कॉन्टैक्ट को रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप जीमेल से अपने कॉन्टैक्ट को वापस ला सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच कीजिएगा। अपने जीमेल से कॉन्टैक्ट को वापस लाने के लिए ओपन करना होगा अपने जीमेल ऐप्स को। आपके फ़ोन में जीमेल ऐप्स होगा, आप इसे ओपन कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जीमेल में आ जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपके जीमेल में आपका फ़ोटो नहीं लगा हुआ होगा तो आपके नेम का यहाँ पे पहला लेटर लिखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में एक से अधिक जीमेल है तो आप उस जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस जीमेल पे आप अपने कॉन्टैक्ट को सेव करके रखे हुए हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे गूगल अकाउंट पे, यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पीपल एंड शेयरिंग का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपने जीमेल में 7 कॉन्टैक्ट को सेव करके रखा हूँ, यहाँ पे दिखलाई दे रहा है 7 कॉन्टैक्ट। तो अगर आप इसे रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में इसे ओपन कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप अपने ब्राउज़र में भी एक से अधिक जीमेल से साइन इन है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर लीजिएगा और यहाँ पे आपकी जो जीमेल में कॉन्टैक्ट सेव होता है ये सभी आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखलाने के लिए सिर्फ यहाँ पे 7 कॉन्टैक्ट को ही सेव किया था अपने जीमेल में, तो ये 7ों कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों, अगर आप इसे अपने फ़ोन में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस 3 लाइन पे और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा वी कार्ड को, यहाँ पे वी कार्ड पर टिक कीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा एक्सपोर्ट। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड कर देने के बाद यहाँ पे आप आते हैं तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद इसे अपने फ़ोन में लाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसे आप ओपन कीजिएगा और यहाँ से आप उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस ईमेल आईडी के जरिए अपने फ़ोन में इसे आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा इम्पोर्ट वी कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपकी वो कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।